हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के पॉपुलर डिमांड पे ये रही विलियम लॉसन्स, इसका रिव्यू पहले करना था। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोगों का, लेकिन आप लोगों को एक और दिन वेट करना पड़ेगा इसके रिव्यू के लिए, क्योंकि आज मेरे पास ये है टंच स्ट्रांग देसी दारू। अब ठेके से बाहर निकल रहा था तो ठीक बगल में देसी शराब की भी दुकान थी, तो वहाँ से मुझे ये मिल गया, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इसका रिव्यू करने के लिए। अंग्रेजी शराब और स्कॉच विस्की इसका तो बहुत रिव्यू किया है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम एक देसी शराब का रिव्यू होगा इस चैनल पे। ये 180 ml की बॉटल है, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम क्लियर पानी के जैसा। या अगर लुक एंड फील से आप कंपेयर करना चाहें तो आप डेफिनेटली वोडका से कंपेयर कर सकते हैं या वाइट रम से कंपेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे, नाम है इसका टंच स्ट्रांग देसी शराब, अंग्रेजी में लिखता है कंट्री लीकर, फॉर सेल इन झारखंड ओनली। ये श्री लैब ब्यूरीज प्राइवेट लिमिटेड रांची में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, टाटी सिल्वे जगह का नाम है। अच्छा, FSSAI से इसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो इट्स सेफ अल्कोहल। इसको पी करके आप ये नहीं सोच सकते हैं कि देसी शराब, जहरीली शराब, वो सबसे दूर है, ये गवर्नमेंट से बाजाब्ता लाइसेंस मिला हुआ है इसको। इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं प्रीमियम GENA। तो ये GENA क्या हो गया, GENA इज लाइक ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और DM वाटर, मतलब डीमिनरलाइज वाटर। तो सिर्फ ये दो चीज़ इसका इंग्रेडिएंट्स है, दैट मींस कि कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई कलर तो है ही नहीं, कोई फ्लेवर भी इसमें ऐड नहीं किया गया है, तो शुद्ध शराब है ये। 180 ml की बॉटल है और इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ है 28.55%, जो कि काफ़ी कम है नॉर्मल कोई भी विस्की या जो भी अंग्रेजी शराब हम लोग देखते हैं इस तरह की, तो उसमें 42.8% जैसा होता है, तो उसके हिसाब से अल्कोहल कंसंट्रेशन काफ़ी कम है इसमें। 180 ml की बॉटल है, इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल कोई विस्की अगर आप एक 180 ml का पौआ अगर आप पीते हैं तो डेफिनेटली इसमें उससे कम नशा होगा। कीमत है इसका 40 रुपया, तो उस हिसाब से ये बहुत सस्ता भी नहीं है, क्योंकि 28% अल्कोहल के पास है, अगर 43% अल्कोहल इसमें होता तो 40 से बढ़ के 60-70 रुपया हो जाता है क्वार्टर का, तो 60-70 रुपया बहुत सस्ता नहीं है। तो ये तो बाहर की बात हो गई, अब इसको खोला जाए, एक पेग पोर किया जाए और देखा जाए नोजिंग और टेस्टिंग कैसा है इसका। कलर 100% ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी भी ना के बराबर है। चलिए ठीक है, नोज करते हैं सीधा। एक्चुअली क्या है, अल्कोहल कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ 28% है, तो इसमें अल्कोहल का भभका भी नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ मेडिसिनल टाइप का, दवा टाइप का ऐसा स्मेल होगा, वो भी नहीं है। हल्का सा, मतलब नॉर्मली आप मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 या 8 PM को जब आप पानी के साथ जब आप स्मेल करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही वो, हालांकि उसमें कुछ फ्लेवर भी या तो डाला हुआ होता है या एक डिफरेंट टाइप का वो अदर देन अल्कोहल भी कुछ एक स्मेल होता है, वो भी इसमें नहीं है। तो नोजिंग में क्या है कि कुछ भी वैसा हार्श नहीं है कि आप इसको नोज करेंगे तो कुछ आपके नाक के बाल जल जाएंगे या कुछ ब्लास्ट होगा नाक के अंदर, वैसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत माइल्ड है एक्चुअली नोज पे, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब आते हैं टेस्ट पे। इसमें क्या है, पैलेट पे कोई बर्न नहीं है, मुंह के अंदर कोई अल्कोहल का भभका, कोई ब्लास्ट वैसा कुछ नहीं है, नाक से धुआं भी नहीं निकला, और नीचे गया तो लगा कि बस वही लगता है कि आप 30-60 ml का पेग में पूरा पानी भर करके जब आप पीते हैं तो जिस तरह का टेस्ट होता है बस वैसा ही टेस्ट है। और मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई पानी मिला करके इसको पीते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना डाइल्यूटेड है
कि इसमें और पानी मिला करके तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक बहुत क्विक, बहुत जल्दी इसका रिव्यू ख़त्म हो गया मेरा, शुरू होते के साथ ख़त्म हो गया। नोज़ पे मेरे को कुछ मिला नहीं ऐसा बताने के लिए। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ब्लास्ट होगा, बहुत झन्नाटेदार इसमें स्मेल होगा, वैसा भी नहीं था। जब मैंने इसको सिप किया तो पैलेट पे तो पता ही नहीं चला। आफ्टर टेस्ट इज़ एक्चुअली ज़ीरो। जैसे अभी मैंने एक सिप लिया है और मेरे मुंह में कोई टेस्ट नहीं है। पीने के टाइम में हल्का सा स्वीट ज़रूर था ये, बट आई थिंक विद इन फ्यू सेकेंड वो पूरा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। एक बार फिर से पी के देखते हैं। बहुत हल्का सा स्वीटनेस है और अनएज्ड अल्कोहल का जो स्मेल होता है वो स्मेल है, और वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। और इसमें क्या है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई पंच नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है सिर्फ, और ना कोई टेस्ट है इसमें। तो सिर्फ आपको अगर नशे करने के लिए पीना है तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा कम से कम दो पौआ लेना पड़ेगा, तब जा कर के आपको नशा भी आएगा। इसमें और जो सस्ती अंग्रेज़ी शराब जो होती है उसमें फ़र्क क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सस्ती भी जो अंग्रेज़ी शराब होती है, जैसे ऑफिसर्स चॉइस, 8 PM, मैकडोनल्ड्स नंबर वन, इस टाइप की जो शराब है वो 42.8% अल्कोहल होता है उसमें। वो काफ़ी पंची होता है, स्ट्रांग होता है, आपके नाक से धुआँ निकलता है, पैलेट पे बर्न होता है, नीचे जाता है तो गर्म लगता है आपको, और एक झन्नाटे के साथ नशा आता है। इसमें मेरे ख्याल से इसको पूरा पी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। तो आई एम बिट डिसअपॉइंटेड, ये क्या देसी शराब हुई भाई, इसको तो पीने में पता ही नहीं चलेगा। और कहीं अगर इसमें मैंने अगर पानी मिला के टेस्ट कर लिया, वो भी एक बार चेक करके बताता हूँ आपको उसके बाद कैसा लगेगा ये। मैंने ज़रा सा एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे थोड़ा पानी गिर गया है। एनीवे, वैसे भी रिव्यू पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म है, मैं तो जस्ट आपको बस ये दिखाना चाहता कि पानी मिलाने के बाद कैसा है। एक बार स्मेल भी कर ही लेते हैं। ऑलमोस्ट कुछ स्मेल फील नहीं हो रहा है। टेस्ट करते हैं। इतना सा पानी मिलाने के बाद तो लगता ही नहीं है कि इसमें दारू भी है। ये ऐसा फील हो रहा है, कहीं कहीं पे आप कोई अगर हैंड पंप का या कुछ किसी कुएं का आप अगर पानी पीते हैं तो नॉर्मल जो हम लोग फिल्टर का वाटर या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से, उसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है, थोड़ा खारापन या फिर थोड़ा सा उसमें एक ओडर भी होता है, स्मेल होता है। तो मेरे को कुछ उस टाइप का भी ये लग रहा है। मतलब क्लियर है ये पानी मिला करके पीने की चीज़ नहीं है। 28% इसमें लिखा है, बट मेरे को लगता है कि शायद इसका कंसंट्रेशन 28% से भी कम होगा। और अगर आपको नशे के लिए चाहिए तो मिनिमम दो पौआ, मिनिमम दो पौआ का मतलब 80 रुपये आप खर्च करेंगे और आपको लगभग एक सवा पौआ अंग्रेजी शराब के जैसा आपको उसमें अल्कोहल मिलेगा, और आई थिंक उतना नशे के लिए काफ़ी होगा। देर इज़ नो कैरेक्टर एट ऑल, नो स्ट्रांगनेस, नो पंच। बस आपको ऐसे ही अगर नशे के लिए कुछ चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। तो बस ये रिव्यू स्टार्ट हुआ और रिव्यू ख़त्म हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह की देसी शराब है ये। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। डेफिनेटली विलियम लॉसन का रिव्यू होगा नेक्स्ट, तो बने रहिए चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट कि वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा ले पाएँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।